जो वीडियो वायरल हो रहा है आप उसमें क्लियर कट देख सकते हैं कि कौन लोग उसमें है। जब एजीएम शांति 11 बजे एजीएम शांतिपूर्ण ढंग से चालू हुई तो कुछ पूर्व पदाधिकारी स्टेज पे आए। जब मैंने पहला एजेंडा पढ़ा और अपना स्पीच के बाद में दूसरा एजेंडा पे आया तो मेरे से आके माइक छीनने की कोशिश की गई। मेरे हाथ के पेपर वो वीडियो में आप देख सकते हैं, मेरे को यहाँ तक के गाली गलौच और धमकाया भी गया और मेरे को मारने की भी कोशिश की गई। ये अपने आप में बहुत गलत बात है। एक पूर्व अधिकारी ये सब करता है। वो वीडियो उनके तरफ से वायरल हुआ जिसमें मैं साफ साफ कहते हुए दिखाया जा रहा हूँ कि आपने मेरे को मारना नहीं, मेरे को डर लग रहा है करके। तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है व्यापारिक संस्थाओं में इस तरीके से। और वो पूर्व अधिकारी ने इस भवन के बाहर तकरीबन 25 से 30 ऐसे कुछ लड़के लोग लाके रखे थे जो कि हमारे समझ में नहीं आ रहे थे, और उसने क्यों लाया ये भी हमारे समझ में नहीं आ रहे थे। तो मेरे पे हो सकता था आज जानलेवा हमला भी होता था, और जो पूरी तैयारी शायद कुछ पूर्व अधिकारियों ने करके रखा है, जो कि कंटिन्यूसली चैम्बर की छवि को धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, गलत तरीके से मीडिया में उसको पेश किया जा रहा है। अति महत्वाकांक्षा जब किसकी हो जाती है, जब कोई व्यक्ति अपने आप को संस्था से बड़ा समझना चालू करता है और उसकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होती है तब वो ये सब करता है। मैं सभी व्यापारी भाइयों से निवेदन करता हूँ कि ऐसे लोगों से बचकर रहे। ऐसी बातें जो गुमराह करने के लिए ये लोग कहीं पर भी यूज़ करते हैं उसको ध्यान ना दे। सब व्यापारी सब कुछ जानते हैं, ये पब्लिक है, ये सब जानती है। उसका आज जीता जाता उदाहरण इस एजीएम ने 25 वर्सेस 400, उनके टोटल 25 लोग थे और हमारे समर्थक तकरीबन यहाँ 400 के ऊपर थे। तो व्यापारियों ने आज अपना जनमत फिर से दिया। आज चुनाव थे, आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर चुनाव का सारी तैयारी करके रखे कि नहीं चुनाव होंगे, फेयर यानी इलेक्शन होंगे। हमको इलेक्शन ऑफिसर्स ने बोला कि मेरे को लोग लगेंगे, तो हमने गवर्नमेंट एजेंसीज या जो कुछ जो प्रोफेशनल लोग रहते चुनाव कराते उनको अपॉइंटमेंट करा है। तो हम पूरी चुनाव की तैयारी में थे, अगर वो सच्चे थे तो चुनाव लड़ते। देखिए आज जो नागविदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की एजीएम जिस तरीके से चलाई जा रही थी और जिस मनमानी तरीके से और दादागिरी से उसका कंडक्ट किया जा रहा था, उसको प्रोटेस्ट करने के लिए हमने एजीएम की प्रोसीडिंग्स पे वॉकआउट किया और जो एजेंडा के पॉइंट्स थे उसको बगैर किसी की सुनवाई किए, बगैर किसी को मौका दिए, बगैर किसी को बोलने दिए, अपने मर्जी से ही उसको पास करते जा रहे थे। बस एक ऐसा था कि एजेंडा 1 पास, एजेंडा 2 पास, एजेंडा 3 पास, और जो पास करने का उनका था बगैर कोई सुनवाई और ऑब्जेक्शन के। तो इसको विरोध दर्शाने के लिए हमने वॉकआउट किया और हमने आज की प्रोसीडिंग्स को बायकॉट किया। और उसका एक दूसरा मूल कारण ये था बायकॉट करने का कि जो वहाँ पे रूलिंग पार्टी ने जिस तरीके की व्यवस्था करी थी, कभी भी चैम्बर के इतिहास में ऐसा करने की नौबत नहीं आई जिसके अंदर बाउंसर, पुलिस और एंटी सोशल एलिमेंट्स का इन्वॉल्वमेंट किया जाए। और वहाँ पे कुछ मेंबर्स के साथ जो प्रोटेस्ट जाहिर करना चाहते थे उनके साथ मारामारी भी की गई, मारपीट भी की गई, हाथापाई भी की गई। तो ये हम इसकी पूरी तरीके से इसकी निंदा करते हैं और इसको इसके ऊपर अपना कंडेम करते हैं और ये प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए हमने वॉकआउट किया। देखिए आरोप लगाने के लिए कोई कुछ भी आरोप लगाए, लेकिन कहीं पे भी लगभग 100 के ऊपर वीडियो सर्कुलेट हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं आज की एजीएम से लेके, कहीं पे भी हमारी तरफ से किसी का भी गैर जिम्मेदाराना बर्ताव और रवैया नहीं रहा है। हम पूरे समय कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर में एजीएम चलाना चाहते थे और एजीएम कंक्लूड करना चाहते थे। और अगर हमारी तरफ से कोई ऐसा प्रयास रहता कि हम मारपीट करना चाहते हैं और हम एजीएम को ख़राब करना चाहते हैं, तो आप दिखाइए ना हमारी कहाँ सुनवाई हुई, हमारे ऑब्जेक्शंस हमको बोलने थे, मेंबर्स को बोलने थे, तो उनको कहाँ मौका दिया गया और माइक तक के उनको दिया नहीं गया और मनमाने तरीके से एजीएम चलाई गई। और ये कंडक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए हमने वॉकआउट किया। अगर 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 हम अगर हम वॉकआउट नहीं करते और अगर हम बायकॉट नहीं करते, तो अगर हम झगड़े पे रहते थे तो हम झगड़ा ही करते थे और हम उनको पुरजोर तरीके से ईंट का जवाब पत्थर से देते थे। लेकिन ये जिस तरीके से किया जा रहा था, हमको ऐसी भांगड़ में पड़ना नहीं था और
जो खेदनीय हरकत इन्होंने करी उसको कंडेम करते हुए हमने वॉकआउट किया। अगला कदम हम जुडिशियल रेमेडी में जाएंगे, जुडिशरी के पास ये जो आज घटा है उसको लेके जाएंगे और वहाँ से कोई रिलीफ मिलती है क्या, इसके प्रयास करेंगे।